हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का एचआर फॉर यू में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लास्ट चैप्टर, जो आपका 23 चैप्टर है, राह भटके हिरण के बच्चे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? हिंदी का 23 चैप्टर राह भटके हिरण के बच्चे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नी वियतनाम। डॉक्टर नी वियतनाम, राह भटके हिरण के बच्चे के लेखक कौन है? डॉक्टर नी वियतनाम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में दिखाया गया है दोस्तों कि एक माँ के प्रति बच्चे के प्रेम की भावना को दिखाया गया है, कि एक माँ बच्चे से बिछड़ने के बाद कैसे परेशान होती है, या एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ने के बाद कैसे बेचैन, उतावला और मतलब निसाहस हो जाता है, साहस उसकी समाप्त हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ों को बताया गया है कि बच्चे माँ से जब अलग हो जाते हैं, जैसे इंसान के बच्चे को ही देख लो, जब माँ से अलग हो जाता है तो वो बच्चा बहुत रोता है, बिलखता है। छोटा बच्चा ना माँ को अगर तैयार होते देख ले कहीं तो कहेगा कि मम्मी तुम कहाँ जा रही हो, नहीं नहीं कहीं जा रही हो। नहाते देख लेगा तो कहेगा नहीं मम्मी इसका मतलब तुम तैयार हो कि कहीं जाओगे। ये होती है प्रेम। तो इसी प्रेम कथा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक हिरण होती है, उसका छोटा सा शावक होता है जिसे हम छौना कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि जारे की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरण, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। यानी जारे की रात होती है और पहाड़ पर रो रहा है, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा हिरण का बच्चा रो रहा है। एक हिरण खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। खेल में मस्त होते होते बच्चे जो होते हैं वो माँ से अक्सर बिछड़ जाते हैं, वैसे पहाड़ी पर जारे की रात में वो बच्चा पहाड़ पर माँ से बिछड़ जाता है। वह नन्हा हिरण, उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं। माँ कह रहे हैं कि वह नन्ना हिरण, बच्चे लेखक कह रहा है कि वह नन्ना हिरण, हिरण का छोटा बच्चा जो बिछड़ गया है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी दो खुली आँखों में वेदना कितनी है। बच्चे की छोटी सी आंखें खुली हुई है, लेखक जब उसे देखते हैं डॉक्टर नी वियतनाम तो कहते हैं उसकी आंख में वेदना है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो मुझे बहुत दुख दे रहा है। हिरण के छौने रे हिरण के छौरे, छौने सॉरी छौने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर छोटे बच्चे को छौने कहा गया। यहाँ पर हिरण के बच्चे को, हिरण के बच्चे को दिलासा दिया जा रहा है। ऐसे कहते हैं कि हिरण के छौने रे हिरण के छौने, हिरण के छोटे बच्चे रे रो मत, सो जा आराम से। क्या कह रहे हैं कवि? हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन दे रहा है कि रो मत, सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तुझे तेरी माँ। सवाल होगा तो लेखक हिरण के बच्चे को आश्वासन दे रहे कि तू रो मत, सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तुझे माँ। सो जा रे सो जा। बच्चे चाहे किसी भी चीज़ के हो, बड़े प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और बच्चा किसी का भी हो, इवन आप बिल्ली के भी छोटे बच्चे को देखोगे ना तो बड़ा सुंदर लगेगा और बड़ा प्रेम आता है। वैसे ये कह रहा है, फिर क्या कह रहा है? बांस के वन, यानी बांस का घना जंगल, पाइन ऑक के वन, और भी पाइन ऑक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रही, यानी कि बांस के पत्ते जो सरसर मरमर करते हैं ऐसे तुझे लोरी सुना रही है। रात की मदमस्त हवा चल रही है, वो भी तुझे लोरी सुना रही है। डर मत, बेहिचक सो जा। लेखक कह रहे हिरण के बच्चे को कि अकेले है तू, डर मत, तू बेहिचक सो जा, आकाश में तारे भरे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, सो जा। डर किस चीज़ का? आकाश में तारे भरे हैं, नीचे झर्रे, ढेर ढेर पत्ते, पेड़ से बहुत सारे पत्ते झर रहे हैं और झर झर करके पत्ते के जैसे गद्दे बन चुके हैं। पत्ते कितने नरम हैं, बता रहा है कि पत्ते जो है वो कितने नरम पत्ते हैं जो पेड़ से कट कट के गिर रहे हैं। हिरण के छौने सो जा, यानी कह रहा है लेखक कि तुम बच्चे को कि जो पेड़ से ऊपर आसमान है और पेड़ से पत्ते छौन के जो गिर रहे हैं टूट करके, वहाँ पर गद्दे की तरह लग गए हैं, और तू कितने नरम पत्ते हैं हिरण के छौने, सो जा रे सो जा, तुम सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा। अब क्या कह रहा है कि तुम सो जा, और जब सुबह होगी तो सूरज तो हर हाल में निकलेगा, उसकी सुनहरी किरणें, और जब सूरज निकलेगी तो सूरज की सुनहरी प्रकाश किरणें छुएंगी जंगल की पत्तों को, और फिर जंगल के पत्तों में प्रकाश की रोशनी पड़ेगी, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ। क्या कह रहा है कि तुम सो जा, सुबह होगी, प्रकाश की रोशनी आएगी, फिर तुझे तेरी माँ मिल जाएगी। रो मत रे नन्हे हिरण। कभी क्या कह रहा है? रो मत रे नन्हे हिरण। तो ये चैप्टर था राह भटके हिरण के बच्चे। चैप्टर कितना सुंदर है, इसका राउंडली मैं आपको समझाता हूँ कि जारे की रात में पहाड़ी पर एक हिरण और बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते खेलते माँ से भटक जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, वहाँ पर कवि मिल जाते हैं नन्हे बच्चे को, और उसके लिए आंखों, बच्चे की आंखों को देख करके कवि को बड़ा दुख होता है, वेदना उसकी, बच्चे की आंखों में दर्द दुख तकलीफ देख करके लेखक को भी होता है। तो हिरण के बच्चे से बात करते हैं और हिरण के बच्चे को कवि डॉक्टर नी वियतनाम कहते हैं कि तू रो मत,
तेरी माँ तुझे जरूर मिल जाएगी, तू सो जा, बांस का पत्ता है, पाइन का पेड़ है, रात की हवा तुझे लोड़ी सुना रही है, तू डर मत, बेहिचक सो जा, तुझे डरने की बात नहीं है, आकाश में तारे हैं और पेड़ से पत्ते झरझर के सूखे पत्ते जो गिरते हैं वो बिल्कुल मतलब कह रहा है कि बिल्कुल वो गद्दे की तरह बन चुके हैं, कितने नरम है हिरण के बच्चे, तुम सो जा और जब सुबह सूरज निकलेगी उसकी सुनहरी किरणें छुएंगे जंगलों के पत्तों को, मिल जाएगी तेरी माँ तुझे, तेरी माँ तुझे जरूर मिल जाएगी। तो सवाल इसमें होगा कि राह कौन भटक गया था, तो हिरण के बच्चे भटक गए थे। एक ऐसी रात थी तो जारे की रात में बच्चे हिरण के बच्चे भटक गए थे। उसके बाद कह रहा है कि कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन दे रहे थे, तो कवि हिरण के बच्चे को आश्वासन दे रहे थे कि तू सो जा, तुझे तेरी माँ ज़रूर मिल जाएगी। तो ये चैप्टर आपका हिंदी किसले भाग 3 जो कि 10th का था, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। आज हिरण का बच्चा, आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है और आप कहाँ से हो, इस वीडियो में आप हमें ज़रूर बताओ कि आप किस ज़िले से और कहाँ से देख रहे हो वीडियो को। कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताओ और आपकी हिंदी में तैयारी कितनी हुई है, आपका इसमें से कौन कौन चैप्टर छूट गया है, या फिर आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो अगेन दोबारा में, वो चैप्टर मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।